जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। डिफेंस डायरी में हर बार की तरह बात एक और महायोद्धा की। पिछले अंकों में हमने आपको ज्यादातर ऐसे शूरवीरों की कहानियां सुनाई जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन पहली बार बात एक ऐसे महावीर की जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की, उन्हें उनके छक्के छुड़ाए और जीवित रहते हुए इस वीर को अशोक चक्र से सम्मानित किया। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में हर बार की तरह तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई। तकनीक के मामले में भारतीय सेना ने एक बड़ी महारत हासिल की। स्वयं ड्रोन सिस्टम को सेना में अब शामिल कर लिया गया है। स्वयं ड्रोन सिस्टम का मतलब बहुत सारे ड्रोन का एक साथ युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल, एक साथ यानी युद्ध के मोर्चे पर या फिर किसी ऑपरेशन में एक साथ कई ऑपरेशन को अंजाम देना ड्रोन के जरिए। मौजूदा हालात में अगर आप देखें, सीरिया, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान, दुनिया के अलग अलग इलाकों में जिस तरह की युद्ध के स्थितियां हैं, वहां पर स्वयं ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी कि मल्टीपल ड्रोन के जरिए कई ऑपरेशन को एक साथ अंजाम देना। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव यानी कि आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही मोर्चों पर स्वयं ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए युद्ध के क्षेत्र में ड्रोन के जरिए एक साथ कई ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। तकनीक के मामले में भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही है, चाहे जवान को हाईटेक बनाने की बात हो या फिर उसके हथियारों की बात हो। और उसी कड़ी में स्वयं ड्रोन सिस्टम को भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात डीआरडीओ की। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लगातार उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ने डीआरडीओ के जो चेयरमैन है मौजूदा सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया, उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया और एक नए वैज्ञानिक समीर वी कामत, जो कि नेवल डिफेंस सिस्टम के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। और इसके जरिए साफ संदेश खासतौर से डीआरडीओ को लेकर है कि डीआरडीओ मेक इन इंडिया के क्षेत्र में जो नए उद्यमी हैं उनको मौका नहीं दे रहा है। तीनों सेनाओं के लिए जो नए हथियार, नए साजो सामान बनाए जा रहे हैं, उसमें डीआरडीओ जो छोटे उद्योगपति हैं जो रक्षा क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको उस तेजी के साथ मदद नहीं दी जा रही है, टेक्नोलॉजी नहीं दी जा रही है, पेटेंट नहीं दिए जा रहे हैं। और डीआरडीओ चेयरमैन के तौर पर समीर वी कामत की नियुक्ति डीआरडीओ के लिए एक साफ संदेश है कि तीनों सेनाओं के लिए मेक इन इंडिया के काम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सेनाओं से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए जो महत्वपूर्ण और क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उसमें उनकी खरीद के लिए इमरजेंसी एक्विजिशन की पावर को बढ़ाया है, जिसके जरिए मौजूदा हालात में तीनों सेनाएं अपने लिए जो बहुत ज़रूरी उपकरण हैं, हथियार हैं, वो इमरजेंसी खरीद के तहत खरीद सकेंगी। खासतौर से इस वक्त सरहद पर चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं, उसके अलावा चाहे बात चीन ताइवान में जिस तरह के हालात हैं, रूस यूक्रेन और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई है, ऐसे में तीनों सेनाओं को जो बहुत ज़रूरी हथियार और साजो सामान की ज़रूरत है, उसके लिए ये इमरजेंसी खरीद की जो पावर है उसको बढ़ाया गया है। इसके जरिए तीनों सेनाएं अपने लिए महत्वपूर्ण साजो सामान इमरजेंसी के जरिए खरीद सकेंगी। हालांकि इसमें कोशिश यही की जा रही है कि इसके साथ ही वो
इसमें मेक इन इंडिया का भी ध्यान रखा जाए। डिफेंस डायरी में बात एक ऐसे महायोद्धा की जिसे उसके जीते जी शांतिकाल के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं नायब सुबेदार छिरिंग मुटुप की, जिनका जन्म लद्दाख में हुआ और उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। छिरिंग मुटुप साल 1965 में लद्दाख स्काउट्स में भर्ती हुई सैनिक के तौर पर। लद्दाख स्काउट्स भारतीय सेना की एक खास टुकड़ी है जो लद्दाख के स्थानीय युवकों को जिसमें शामिल किया जाता है। लद्दाख से लगने वाली सरहद की जिम्मेदारी उनके पास होती है, वहाँ पर खुफिया जानकारी जुटाना और मौका आने पर दुश्मन के छक्के छुड़ाना, चाहे बात 1962 के युद्ध की हो या फिर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की। लद्दाख स्काउट्स ने अपनी वीरता से सेना के इतिहास में नाम कमाया। अब बात ऑपरेशन मेघदूत की। 1972 के शिमला समझौते के तहत सियाचिन में वहाँ के हालात को देखते हुए, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, मौसम की दुश्वारियाँ हैं, तापमान 60 डिग्री से नीचे चला जाता है, ऐसे में वहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती नहीं थी, भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा किया। लेकिन साल 1983 में भारतीय सेना के पास खुफिया जानकारी आई कि पाकिस्तानी सेना सियाचिन में अपने सैनिकों की तैनाती के लिए खास तरह के उपकरण, कपड़े खरीद रही है, और यह आशंका सही साबित हुई क्योंकि उसके कुछ समय के बाद फरवरी 1984 में पाकिस्तानी सेना ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन में सियाला नामक पोस्ट पर के पास अपनी सैनिकों की तैनाती कर दी और उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई। बात उस ऑपरेशन की जिसमें नायब सुबेदार शिरिंगला मुटुप ने अपनी वीरता से नया इतिहास लिखा। 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, जहां पर हड्डियां गला देने वाली ठंड हो, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही थी, छिरिंग मुटुप अपनी टुकड़ी के साथ, क्योंकि वो सेक्शन कमांडर थे, 18,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने चढ़ाई शुरू की और उनके सामने एक ही मिशन था, शियाला जो पोस्ट थी उससे पाकिस्तानी सैनिकों को, उसके पास से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना। शायद पाकिस्तानी सेना ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना इस तरह से हमला कर देगी, पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा देगी। और अचानक छिरिंग मुटुप ने अपनी टुकड़ी के साथ वहां मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई और आखिरकार पाकिस्तानी सैनिकों को भूखी खानी पड़ी। छिरिंग मुटुप ने सियाला पोस्ट पर तिरंगा फहराया। ऑपरेशन मेघदूत एक बड़ा ऑपरेशन था जहां पर भारतीय सेना ने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। अगर हम साल 1984 की बात करें तो उस समय भारतीय सेना के पास उस तरह के हथियार नहीं थे, खासतौर से मौसम से निपटने की तैयारी को लेकर उपकरण नहीं थे, कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अपने मानसिक और शारीरिक बल के जरिए लद्दाख स्काउट्स और छिरिंग मुटुप जैसे सैनिक ने ऐसा अनोखा और अनसुना कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान को भी नहीं थी, और इस तरह से पाकिस्तान के कब्जे से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया। और उसके बाद 1984 से लेकर अब तक भारतीय सेना लगातार सियाचिन में निगरानी कर रही है। छिरिंग मुटुप को उनकी वीरता के लिए, इस अदम्य साहस के लिए शांतिकाल के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह से लद्दाख स्काउट्स के इस जवान ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में मुश्किल हालात के बीच अपनी इच्छा शक्ति से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको ऐसे ही अनसुने किस्से, भारतीय सेनाओं से जुड़े ऐसे शूरवीरों की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर करके या अपने जीते जी दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।